हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ट्रेवल विद रजा में। किसी नई ट्रिप की शुरुआत नहीं हो रही है, बस थोड़ा सा ऑफिस के काम से जा रहा हूँ दिल्ली से पुणे। फ्लाइट मेरी है विस्तार एयरलाइंस की, तो कोई टॉपिक ध्यान में मिल नहीं रहा था, तो फिर सोचा मैंने कि कुछ वीडियो बनाई जाए आप लोगों के लिए। तो कुछ तीन चार टॉपिक जो है ना मैंने सर्च करे हैं अभी, जिस पर मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ। इसमें जो आपका पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा उनके लिए जो पहली बार फ्लाइट से यात्रा करते हैं और थोड़ा सा डर रहता है उनको कि पता नहीं कैसे जाएंगे क्या रहेगा। तो पूरी के पूरी फॉर्मेलिटीज बताऊंगा मैं आप लोगों को कि अगर आप पहली बार फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या आपको कैरी करना है, क्या क्या कैसे करना है एयरपोर्ट पर। दूसरा टॉपिक रहेगा वो उन लोगों के लिए है जो ट्रैवल करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि एयरपोर्ट के बाहर बहुत लंबी लाइन रहती है वहाँ पर सिक्योरिटी चेकिंग के लिए, एयरपोर्ट के गेट पर ही अंदर घुसने के लिए। तो ऐसी क्या ट्रिक है, ऐसा क्या है कि आप उस लाइन को जल्दी से स्किप करके अंदर घुस सकते हो। तीसरा टॉपिक रहने वाला है कि मैं एयरपोर्ट पे 2 रुपए में खाना खाऊंगा, वो भी बुफे, सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं वहाँ पे, नॉन वेज वेज स्नैक्स होते हैं आपके, ड्रिंक्स रहती हैं, सब कुछ रहता है, वो भी मात्र 2 रुपए में। चौथा ऑप्शन मैं रिव्यू करूँगा विस्तार एयरलाइन को, कैसे ये इंडिया की टॉप मोस्ट एयरलाइन है जो मुझे बहुत ही पसंद है। तो कुल 4 टॉपिक पर ये वीडियो होने वाली है। टाइम हुआ है अभी 6 बजने वाले हैं, फ्लाइट मेरी है 10:30 बजे की दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, सॉरी डोमेस्टिक एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट तो इंटरनेशनल ही है, बस मेरी फ्लाइट जो है डोमेस्टिक होने वाली है। चलो बैग पैक कर लिया है मैंने, टैक्सी बुक करता हूँ और निकलता हूँ, बाकी वीडियो कंटिन्यू करूँगा आपकी एयरपोर्ट पर। तो पहुँच चुका हूँ मैं एयरपोर्ट पर, और अगर आप पहली बार आ रहे हो तो कुछ नहीं करना है आपको, एयरपोर्ट पहुँचना है और यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, उन लाइनों में लग करके अपना पासपोर्ट दिखाना है। अगर आप डोमेस्टिक ट्रेवल कर रहे हो तो आपको अपना आधार कार्ड दिखाना है, आधार कार्ड दिखाने के बाद में टिकट दिखानी है उनको और आपको अंदर को जाना है। और अच्छा बात है उस पर मैं आपको बताया था कि लंबी लाइनों से आप मुक्ति कैसे पा सकते हो, तो मैं आपको दिखाता हूँ उसका तरीका क्या है। ये गेट नंबर 2 पे अगर आप आओगे ना तो ये सामने देखो लिखा हुआ है डिजी यात्रा। ये बेसिकली एक एप्लीकेशन होता है, आप उसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लो और उसके थ्रू आपको जो है ना ये लंबी लाइन जो लगी हुई है, दिखाता हूँ 1 मिनट को, ये देखो कितनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं यहाँ पे, ये सारे जो है अंदर जाने वाले हैं। तो इससे बचने के लिए आपको डिजी यात्रा का एप्लीकेशन अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना पड़ेगा और अपनी टिकट का जो बारकोड है वो और अपना जो है आधार कार्ड से उसको लिंक करना पड़ेगा। और बात बड़ा स्मूथ प्रोसेस रहता है, ज़्यादा भीड़ नहीं लगती है, बस चुटकियों में काम हो जाएगा हमारे यहाँ पे। आपको दिखाता चलता हूँ मैं कैसे होता है। ये उधर जो लंबी लाइन लगी है ना, ये वो है जो उनके पास डिजी यात्रा का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है, और ये देखो पूरा खाली पड़ा हुआ है, बस ये 4 लोग खड़े हुए हैं आगे। ये डिजी यात्रा का ऐप है, यहाँ पे आपको बस अपना बारकोड स्कैन करना पड़ेगा बोर्डिंग पास का और आपको एंट्री मिल जाएगी। तो जी मेन गेट से अंदर आने के बाद में यहाँ पे आपकी जिस भी एयरलाइन की जिस भी कंपनी की टिकट ले रखी है आपने, आपको उसके काउंटर पे जाना है। जैसे कि मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये सारे एयर इंडिया काउंटर लगे हुए हैं और इधर की तरफ ये एयर एशिया हो गए, मतलब जिसकी भी टिकट ले रखी है आपके काउंटर पर जाओ, वहाँ पे लाइन लगाओ। जैसे यहाँ पे लोग किसी को लाइन में लगे हुए सारा अपना सामान लेकर के, लाइन में लगने के बाद में आप उनको जो है अपना सामान दे दो, अगर कोई आपका चेक इन बैग है सामान दे दो, अगर केबिन लगे जाए, अगर चेक इन सामान क्या होता है जो बड़े बैग होते हैं ना वो यहाँ आपको देने पड़ेंगे, ये अपना लेके जाएंगे एक कैरियर में डाल देंगे जा करके। एक होता है केबिन लगेज, केबिन लगेज ये वाला है जो मैं अपने साथ कैरी करूँगा अपनी फ्लाइट के अंदर। तो अगर आपका इसमें केबिन लगेज है तो आप साथ में ले लो, अगर चेक इन बैग है यहाँ पर ड्रॉप कर दो, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे बोर्डिंग पास, वो बोर्डिंग पास जो है आप लेके सीधा आगे चले जाओ। आगे इसके बाद में सिक्योरिटी चेक पड़ेगा, आपका सामान चेक करेंगे, वो सिक्योरिटी चेक करने के बाद में आप अंदर जाओ और जो आपका गेट नंबर है वहाँ पे एंट्री कर लो जाकर। डीजी यात्रा ऐप का ये फ़ायदा था कि सारा काम जल्दी जल्दी हो गया है, अपना सामान दे दिया है हमने काउंटर पर और बोर्डिंग पास तो हमने ऑनलाइन कर लिया था डाउनलोड, तो ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा इसका एक फ़ायदा ये भी है, अगर आपने डीजी यात्रा ऐप कर रखा है ना अपने फ़ोन में इंस्टॉल, तो इसमें करना क्या होता है, मैं इनकी एप्लीकेशन पर जा करके वहाँ पे आपको अपना जो बोर्डिंग पास है वो कर लो, वेब चेकिंग करके बोर्डिंग पास डाउनलोड कर लो और उसके बाद में जो है उसको अपलोड कर दो वहाँ पे, और आपकी एक सेल्फी मांगेगा, सेल्फी देने के बाद में आपको वो शेयर करना रहेगा एयरपोर्ट पर, आप उसको शेयर कर दो, शेयर करने के बाद में जो है यहाँ पहुँच जाएगा। बस सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप आओ अपना बारकोड स्कैन करो और गेट खुल जाएंगे ऑटोमेटिक। आपकी जो सेल्फी ली होगी आपने उससे आपका ये सिस्टम पूरा वेरीफाई कर लेंगे कि आप ही हो, तो आपको दोबारा से वहाँ पे गेट पे खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सिक्योरिटी चेक करने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरे पीछे आप देख रहे हो ये गेट बने हुए हैं, यहाँ पे 2 गेट होते हैं क्योंकि ये जो एयरपोर्ट है ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों जगह ऑपरेट करता है। तो आगे जाओगे वहाँ पड़ेगा आपका इंटरनेशनल
और यहाँ पे आपका डोमेस्टिक। तो चूँकि मेरी फ्लाइट पुणे की है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, मैं यहाँ से एंट्री करूँगा। और मेरे पीछे आप देख रहे हो ये बैठे हुए हैं, ये पूरी लाइन लगी हुई सिक्योरिटी चेक करने की। यहाँ पे वीडियो वगैरह अलाउड नहीं रहेगा बनाना, तो सिंपली क्या करेंगे अपन फ़ोन रखते हैं और सिक्योरिटी चेक करवाएंगे, सामान वगैरह चेक करेंगे क्या क्या लेके जा रहे हो, दैट्स इट। उसके बाद अंदर चलेंगे। तो सिक्योरिटी चेक हो गया है और अब चलते हैं अपने गेट की तरफ। अच्छा, अगर आप डोमेस्टिक के अलावा अगर ट्रैवल करते हो इंटरनेशनल, तो आपका खाली जो है इसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा और वो है आपका इमिग्रेशन वाला। जो सिक्योरिटी चेक होगा उससे जस्ट पहले आपको इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ेगा। वो मांगते हैं पेपर वगैरह, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, टिकट दिखाओ, वीज़ा दिखाओ, ये सब करना पड़ेगा। अब चूँकि मैं डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहा हूँ तो आपको मैं यहीं का दिखा सकता हूँ कि डोमेस्टिक में आप ट्रैवल कैसे कर सकते हो पहली बार। तो सिक्योरिटी चेक कर लिया है और सारा काम बहुत जल्दी जल्दी हो गया। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए अभी आया था ताकि जो है अब शुरू होगा अपना तीसरा टॉपिक, अब वो है 2 रुपये में खाना खाने वाला घर पे। अच्छा, उसका सीन क्या है? उसका सीन ये है कि एयरपोर्ट पे ना मोस्टली जितने बड़े एयरपोर्ट हैं हर जगह पे लाउंज बने होते हैं और आपके जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड होते हैं, हम लोगों को बहुत से लोग पता भी नहीं होता है कि उसके फीचर्स क्या होते हैं। आप जब भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड वगैरह परचेज करते हो तो उनके फीचर्स क्या हैं, ऑफर्स क्या हैं, पूरा पता कर लिया करो उससे। तो जैसे मेरे पास में 2-3 कार्ड्स हैं, उनमें सब में ऑफ़र है कि हम ना एयरपोर्ट लाउंज को यूज़ कर सकते हैं। अब उसमें क्या होता है, अगर आपका वीज़ा कार्ड है तो आपके अकाउंट से 2 रुपये कटेंगे और अगर मास्टर कार्ड है तो आपके अकाउंट से कटेंगे 25 रुपये। और हर कार्ड का अलग अलग होता है, किसी में क्वार्टरली में एक विजिट मिलती है, किसी में क्वार्टर में 2 होते हैं, इस तरह से होता है। तो जो मेरा वाला कार्ड है, मेरे पास तो 2-3 कार्ड हैं और हर क्वार्टर में एक विजिट मिलती है। तो मेरे पीछे आप देख रहे हो भैया ऊपर लिखा हुआ है एनकॉम लाउंज, ये नया लाउंज है, इससे पहले यहाँ पे होता हुआ करता था प्लाजा प्रीमियम। तो अब चलेंगे लाउंज में, वहाँ पे एंट्री कराएंगे और अभी फ्लाइट आने में 2.5 घंटा बचा हुआ है, अभी 8 भी नहीं बजे हैं पूरे और फ्लाइट मेरी है 10:30 बजे की। चलते हैं और खाते हैं खाना बैठ के वहाँ पे, क्योंकि अब लग रही है भूख। बाकी बहुत सारे यहाँ पे बने हुए हैं आउटलेट्स, रेस्टोरेंट बने हुए हैं, ये सारे पेड़ हैं, लेकिन मोस्टली जितनी बड़ी फ्रेंचाइजी हैं सबके ही यहाँ पे रेस्टोरेंट बने हुए हैं। अपना वाला है आगे, जब अपने पास फ्री का ऑप्शन है तो हम पैसे क्यों देने। आप लोग चेक कर लेना और यूज़ करा करो यार, पहले मुझे पता नहीं था इसके बारे में, मुझे बाद में मालूम पड़ा था कि मेरे डेबिट कार्ड वगैरह में ऐसा ऑप्शन है। मोस्टली जितने भी अच्छी क्वालिटी अच्छी मतलब उसके रैंक के होते हैं ना, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड, उनमें सब में आपको ये वाला ऑफर मिल ही जाता है। ये आ गया अपना एनकॉम लाउंज, ये लाइन लगी हुई है, लगते हैं लाइन में और अपना कार्ड कराते हैं स्वैप। ये पूरा खाली पड़ा हुआ है, बिजनेस क्लास। एंट्री कर ली है भाई लाउंज में, ये देखो आप लोग, खाना खा लिया है, बहुत टेस्टी खाना है इनका यार। और सेम वही हुआ, और मैंने अपना अकाउंट चेक किया था, 2 रुपये कटे थे मेरे अकाउंट से। और इनके ना एनकॉम के 2 लाउंज हैं, एक लाउंज पीछे है, एक मैं पहले दिखाया था ना, अभी उनकी कैपेसिटी फुल हो गई थी तो वेटिंग थी 20 मिनट की, तो उन्होंने पीछे भेज दिया सामने वाले में, वो खाली था। चलो खाना खा लिया हमने, बहुत जल्दी आ गया यार, अभी भी 2 घंटे बचे हुए हैं फ्लाइट टेक ऑफ करने में, 8:30 बजे अभी और फ्लाइट मेरी है 10:30 बजे की। अब 2 घंटे काटते हैं यहीं पे के बैठते हैं, बाकी बातें करूँगा आपसे बाद में भी। और अभी भी लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम बचा हुआ है, अब चलते हैं अपने गेट की तरफ। बोर्डिंग गेट जो हमारा है वो है 49 नंबर, ज़्यादा दूर नहीं होगा,
जितनी बड़ी एयरलाइंस होती है ना उनका थोड़ा पास रखते हैं ताकि पैसेंजर्स को चलना ना पड़े, बाकी जो लो कॉस्ट कैरियर होते हैं उनका थोड़ा दूरी पर होते हैं। चलो ढूंढते हैं अपना गेट नंबर 59, फिर वहाँ बैठ के टाइम पास करते हैं। तो 9:45 हो गए हैं और बोर्डिंग लगभग शुरू होने वाली है 3-4 मिनट में। बोर्डिंग शुरू हो जाएगी फिर चलते हैं करियर के अंदर। अच्छा, बहुत से लोगों को लगता होगा ना कि यार फ्लाइट में जाना तो बहुत नहीं, अपनी इंडिया में ना अभी इतना फ्लाइट का चलन है नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है फ्लाइट बहुत महंगी पड़ती है। अभी मैंने टिकट बुक करी थी यहाँ से दिल्ली से पुणे की, तो जो नॉर्मली 3rd AC में टिकट दिखा रहा था वो थी तकरीबन 3,000 से 3,500 के बीच में, अराउंड 3,300 रुपये की थी। और जो लो कॉस्ट करियर है स्पाइस जेट वगैरह, इनकी फ़्लाइट की टिकट थी 3600 से 3700 रुपये के आसपास। जबकि मैंने अभी 3 दिन पहले टिकट बुक करी थी तो विस्तार एयरलाइन की पड़ी थी हमें 4,000 रुपये की टिकट। तब देखो कितना फ़र्क है यार, अब ट्रेन में मैं धक्के खाते हुए जाऊँगा, 15-16 घंटे लगेंगे, यहाँ 2 घंटे में पहुँच जाऊँगा मैं दिल्ली से पुणे तक। और एयरलाइन भी अच्छी है, जैसे कि मैं हमेशा तारीफ़ करता हूँ विस्तार एयरलाइन की, बड़ी अच्छी एयरलाइन है। और अगर डोमेस्टिक ट्रेवल कर रहे हो आप और प्राइस में जो है 500-600 रुपये का फ़र्क है 1,000 का मान लो, तो थोड़ा सा प्रीफर करना कि आप विस्तारा या फिर एयर इंडिया बुक करना, क्योंकि इसमें अंदर खाना वगैरह मिल जाता है फ्लाइट में। और अगर बैगेज वगैरह ज़्यादा है तो चिक चिक नहीं करते ये लोग, जैसे कि मैं 2 बैग लेके आया था अंदर, 2 बैग लेके जाऊँगा और चेक इन भी करा दिया मैंने, उन्होंने मतलब वेट भी नहीं करा कि कितना वेट है इसका सामान का कितना नहीं है, ठीक है ले जाओ आप। तो ये थोड़ा फ़ायदा रहता है इसमें। और बाकी जो छोटी एयरलाइन होती हैं, छोटी क्या मतलब लो कॉस्ट करियर होते हैं, वो बहुत नाप तोल करते हैं सामान का, कितना है कितना वेटिंग है, मतलब ज़्यादा है कम है, अगर ज़्यादा है तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, तो ये फ़ायदा रहता है। बाकी 4,000 रुपये की टिकट मैंने बुक करी थी 3 दिन पहले ही, तो ज़्यादा महंगी नहीं है, मतलब मुझे तो लग रहा सस्ती मिल गई मुझे। और चलते हैं, शायद बोर्डिंग शुरू होने वाली है। बाकी मैंने 3 टॉपिक तो कवर कर ही दिए हैं आपके, पहला कि आपको कैसे आना पहली बार, और दूसरा मैंने आपको लाउंज भी दिखा दिया है, और तीसरा जो है आपका अच्छा डिजी यात्रा वाला, बहुत ज़रूरी है यार अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हो ना तो डिजी यात्रा ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल ज़रूर कर लेना और अपना जो आधार कार्ड से लिंक कर लेना, आपको लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे बाहर ना 40-40 मिनट लग जाते हैं बाहर खड़े हुए लाइन में, तो बहुत लंबी लाइन लगती है वहाँ पे। और इसमें क्या मेरे को 2-3 मिनट लगे हार्डली और मैं अंदर एंटर कर गया एयरपोर्ट के। चलो शायद बोर्डिंग शुरू होने वाली है, चलते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा विस्तार एयरलाइन। ये सीट आपकी बिजनेस क्लास की हैं और मेरी आगे वाली होगी ये है प्रीमियम इकोनॉमी। एक यहाँ पे इन्होंने एयरफोन दिया हुआ है, ट्रस्ट में बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी का एयरफोन है यार ये। और ये म्यूजिक सिस्टम है, बहुत ही स्मूथ है, इसमें आपको ना मल्टीपल टाइप्स के मूवीज़ टीवी शोज़ देखने को मिल जाएंगे। कुल मिला के अच्छा है और सफ़र काफ़ी अच्छा कटेगा हमारा। और लेग स्पेस तो ठीक ठाक था, आई थिंक 80 सेंटीमीटर का होगा। आपकी कुर्सी के नीचे या बगल में एक रक्षा जैकेट है, पानी में बचाव के लिए इसे इस तरह पहने और कमर पर बांध लें। जैकेट को खुलाने के लिए लाल टैग को खींचें। अगर ये ना खुले तो इस तरह ट्यूब में फूंक कर हवा भरें। रक्षा जैकेट का इस्तेमाल सिर्फ निकास पर ही करें या फिर ओवरविंग से बाहर निकल कर ही खुलाएं। कृपया साथ लाए हुए सामान को ऊपरी सामान कक्ष में या अपनी हमारा खाना भी आ गया है, क्वांटिटी तो अच्छी खासी है ये और क्वालिटी बहुत अच्छी है आज की। तो मैं पहुंच चुका हूं अपने हॉस्टल में और रात को लैंड कर गया था एयरपोर्ट पे पुणे में। एक्चुअली पुणे में ना फोटोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है एयरपोर्ट पे। जब मैं फ़्लाइट के अंदर था तो ही मेरे को बता दिया गया था, वहाँ पे अनाउंसमेंट हो गई थी कि फ़ोटोग्राफी नॉट अलाउड इन पुणे एयरपोर्ट, तो वहाँ पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया कुछ भी। बाकी फ़्लाइट का एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार था, अच्छा खासा लेग स्पेस था और जो खाना था ना खाना भी बहुत टेस्टी था यार। और म्यूज़िक सिस्टम लगा हुआ था उसमें, आपने देखा ही होगा वीडियो में, बहुत अच्छा म्यूज़िक सिस्टम था और स्क्रीन काफ़ी स्मूथ थी, टच वगैरह अच्छा था उसका। और एक जो उन्होंने हेडफोन दिए थे, हेडफोन की मतलब लीड दी थी ईयरफोन, वो भी काफ़ी अच्छी थी, वॉल्यूम वगैरह काफ़ी अच्छा था उसका। और
उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। जितना मुझसे हो सकता था यार मैंने पूरा कवर कर दिया उसमें, और एज ऑफ नाउ मैं भी अपने हॉस्टल पहुँच चुका हूँ। काफ़ी अच्छा एरिया है ये, इसको बोलते हैं कोरेगांव पार्क। अगर आप हॉस्टल वगैरह में आना चाहते हो तो ये मेरे पीछे हॉस्टल है, इसका नाम है अर्बन नोमाद बोर्ड्स। तकरीबन यहाँ पे अलग अलग रेट्स हैं, एक जो एयर शेयरिंग बेड है उसका है आई थिंक 300-400 रुपये, और मैंने लिया हुआ है सिक्स शेयरिंग रूम है, उसमें हमें 6 बेड मिले हुए हैं, और उसमें से मेरा बेड है उसका जो चार्ज है वो तकरीबन 500 रुपये के आसपास। चलो उम्मीद करता हूँ यार आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो मैंने नॉलेज शेयर की है आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इतनी रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे भी ऐसी जानकारियाँ मिलती रहेंगी आपको। हो सकता है अभी कुछ दिनों में एक नई ट्रिप की शुरुआत हो, अभी डिसाइड नहीं हो पाया है कि किस कंट्री को कवर करूँगा मैं, देखते हैं। बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए ट्रैवल विद रज़ा। थैंक यू सो मच, बाय।